गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। सुबह हो रहा है अराउंड 8:30 AM और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। कहाँ जाने वाली हूँ मैं आज और क्यों जाती हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और चलो अब चलते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। पहली बार मैं बुलेट में 100 किलोमीटर अप एंड डाउन करने वाली हूँ। चलो चलो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। और गाइस ये है मेरा स्कूल जहाँ मैंने 10 साल पढ़ाई की है। इस जगह में आके मतलब मुझे तो अपना ड्राइव स्लो करना ही होता है। ये आप देख सकते हैं सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल बर्रामा, यही है वो जगह जहाँ मैंने 10 साल गुजारा है। ओके लेट्स कंटिन्यू माय राइड। गाइस अब लेने वाले हैं थोड़ा सा टी ब्रेक। घर के बाहर आते ही मतलब चाय खाने का बहुत मन करता है। गीता रेस्टोरेंट कौन कौन नहीं जानता, मतलब असम के लोग कौन कौन नहीं जानते इसे कमेंट कीजिएगा। यहाँ का चाय बहुत टेस्टी होता है। इतने दूर आने के बाद चाय पीना मजा ही कुछ अलग है। चाय पी लिया गाइस और अब कंटिन्यू करते हैं राइड। रुक गया और देखो नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है। वहाँ दूर में दिखाई दे रहा है पहाड़, आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, वो है भूटान का पहाड़। और ये मैंने मेरे ट्रेवल पार्टनर के ऊपर सब कुछ लटका दिया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। पानी के बिना मैं एकदम चल नहीं सकती और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ट्रैवल करते वक्त हम लोग रोज भूल जाते हैं पानी पीना। हमें आपको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। दो दो बोतल हमेशा मैं लेकर आती ही हूँ मतलब ये श्योर है। और गर्म पानी। गाइस यहाँ हमें मिलती है एकदम ठंडी हवा क्योंकि ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। गाइस ये है कामाख्या का गेट, हमारा असम का बहुत बड़ा मंदिर। गाइस यहाँ रास्ते में हमें हमारे कजिन गए, साइकिलिंग कर रहा था वो, हमने उसे पीछे से आवाज़ दिए, हाय बोल दो। हाय। और एवं सब्सक्राइब करना बोलो। हाँ सब्सक्राइब करना बोलो। सब्सक्राइब कर देना सब लोग। तो गाइस मेरा डेस्टिनेशन आ गया, देखते रहिए आप लोग। गाइस वहाँ अंदर बाइक का पार्किंग एरिया नहीं है तो यहाँ साइड दूसरा बाइडन लेके बाइक हम लोगों ने पार्किंग कर दिया और अब पैदल जाना पड़ेगा। हाँ तो आज मैं आई हूँ हॉस्पिटल। क्यों आई हूँ आप लोगों को बताती हूँ, अभी देखते रहिए।
चल चुका है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ, दिसपुर हॉस्पिटल जो कि गुवाहाटी में है, दिसपुर में। क्यों आई हूँ आप लोग देख सकते हैं, मेरा स्किन बहुत ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत पिंपल रिलेटेड इश्यूज़ में फेस कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा यहाँ पर एक अच्छी, बहुत अच्छी मैम है, डॉक्टर वर्णाली डेगा, मैं उनके पास आई हूँ और मैंने उनके साथ कंसल्ट कर लिया। और अभी जो मेन पार्ट है वीडियो का, मैम मतलब आप लोगों को खुद से, मतलब शी इज़ गोइंग टू गिव यू एन इंफॉर्मेटिव स्पीच ऑन पिंपल रिलेटेड इशूज। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कियाँ बहुत ध्यान देके देखना ये वीडियो, मैम अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत सलाह देने वाली है। तो गाइस प्लीज कीप वॉचिंग, क्वेश्चन दे दीजिए। देखिए, पिंपल्स या एक्ने इज़ अ वेरी कॉमन स्किन डिसऑर्डर, इट्स अ वेरी कॉमन स्किन डिसऑर्डर बोथ इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स। बट वी हैव सीन दैट इट्स नॉट ओनली कॉमन इन द प्यूबर्टी, मतलब टीनेज ईयर्स में कॉमन है, एट द सेम टाइम इज वेरी मच कॉमन इन द एज ग्रुप बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो सीन कि पिम्पल्स या एक्ने इस जैसे पीरियड्स के पहले ही ज़्यादा कभी कभी किसी का होता है। इट्स मोर कॉमन इन साइकिल्स, जैसे साइकिल में होगा, थ्रू आउट द मंथ नहीं होता है, फिर 7 to 10 डेज जस्ट बिफोर द मेंसेस स्टार्ट द पिंपल्स यूजुअली पॉप आउट। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इन द बॉडी। इतना वास्ट हार्मोन चेंजेस आ जाते हैं कि आपका जो सीबेशियस ग्लैंड्स है, जो एक्ने ग्लैंड्स है, दे बिकम वेरी एक्टिव और इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन होता है, द फेस बिकम्स ऑयली। तो फेस बिकम्स ऑयली एंड देन द फेस में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है दे मल्टीप्लाई एंड इट कॉजेज द ब्लॉकिंग ऑफ द पोर्स, सो दैट विल कॉज इन्फ्लेमेशन और वो एक्ने होता है। सो व्हाट आर द केयर और जो प्रिकॉशंस यू हैव टू मेंटेन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज दैट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्ने। डाइट रिलेटेड यू हैव टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, यू हैव टू अवॉइड स्वीट्स, यू हैव टू अवॉइड स्पाइसी एंड जंक फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, द स्लीप साइकिल शुड बी रेगुलेटेड। फिर आपको यू शुड नॉट स्लीप विथ योर मेकअप ऑन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर फेस मिनिमम 2 times अ डे एंड वट एवर कॉस्मेटिक्स और वट एवर दिस क्रीम्स एंड जेल्स यू आर पुटिंग ऑन योर फेस, दैट शुड बी यू नो नॉन कोमेटोजेनिक, इट शुड नॉट ब्लॉक योर पोर्स। सो दिस आर द थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग योर एक्ने, बिकॉज इवन आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्स और मेडिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, बट एट द सेम टाइम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी चाहिए। ये तो पिंपल्स 1 or 2 इट यूजुअली कम्स इन। आई होप आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है एंड माय वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। तो गाइस हमारा हो गया काम, मैम ने जो बताया आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आई होप दैट इट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। आप लोग फॉलो कीजिए मैम ने जो कुछ भी बोला। तो अब बहुत ज़ोर से लगी है भूख, अब जाते हैं कुछ खाने के लिए। वो सुबह ही जो खाया था, दिन भर सिर्फ पानी खाया है, अब जाने वाले हैं कुछ खाने के लिए। गाइस सीधा क्लिनिक से हम लोग आ गए थे यहाँ, हमारे दीदी के घर है, यहाँ खाना पीना खा लिया और अब बज रहा है ऑलमोस्ट 5 PM होने वाला है, अब हम लौटेंगे घर, बहुत देर हो गया एक्चुअली। तो चलो चलते हैं। गाइज मैं पहुंच गई घर, बहुत थक गई हूँ और अब बज रहा है 8 PM, अराउंड 8 PM। और आप लोग देखो मेरी मम्मी यहाँ क्या कर रही है, पूरा एक्सरसाइज में बिजी। सुबह करती है मॉर्निंग वॉक और शाम को, मतलब आज थोड़ी सी देर हो गई शायद मम्मी की, शाम को करती है योगा, पूरा एकदम योगा करने में लगी है वो। और एक सरप्राइज़ है, वैसे सरप्राइज़ मेरे लिए है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आज हमारा नया डाइनिंग टेबल का डिलीवरी हो गया, देखो बहुत ही प्यारा साउडन डाइनिंग टेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं करने वाली हूँ एंड, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो रिशाज व्लॉग मिक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो माफ़ी चाहती हूँ मैं। आप लोगों को जितना
हो सके उतना कोशिश किया मैंने दिखाने को, उतना इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की. तो होप यू विल लाइक इट गाइस. डू सब्सक्राइब, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में.